हर घूरे के दिन पलटते हैं तिवारी जी, जिस रोज मेरे पलटेंगे ना, मैं आपको आपकी औकात याद करा दूंगा। तो ये बिजनेस क्या है? कबाड़ी का बिजनेस है। मुझे तेरा ऑफर मंजूर है। मेरे कहाँ जा रहे हो बंधन के? अगर जॉब, मुझे जॉब मिल गया। ये जो वायरस है ना, तुम्हारे पति को लील जाएगा। दरअसल हमारे घर में एक कबाड़ी टाइप का आदमी आया था, जिसकी शक्ल जो है वो हूबहू भभूति जी से मिलती जुलती थी, और उसने कहा कि वो भभूति जी का भाई है। What? मुझे उससे मिलना है, मतलब मुझे उससे मिलना है, and that is final। अरे यार, जो कौन बदतमीज जो घर के पिछवाड़े आके हमारी बार बार लुंगी चुरा के ले जा रहा हूँ। ये लैपटॉप तो मेरा है बे, 5,000 रुपया दे दो और ये ले लो। ओटीवी कहाँ है पगली? ओटीवी तो हम डार्लिंग कबाड़ी को दे दिए। क्या? हाँ, वो डार्लिंग हमसे बोले। अरे डार्लिंग, डार्लिंग क्या कर रही है, उसको कबाड़ी बोलो। नहीं नहीं, उसका नाम ना डार्लिंग है। अरे यार, अगर उसका नाम पतिदेव होता तो क्या पतिदेव बोलती? कि ये टीवी तो है ना बहुत ही पुराना हो गया है। कछु तो बोले थे, हमको याद नहीं आ रहा है। वो बोले कि ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तुम्हारे पति के बॉडी पार्ट्स भी उसके साथ ब्लास्ट हो सकते हैं। आज हम इतना डर गए, हम दे दिए उसको उठाकर। अरे यार, इस बौडम महिला का क्या करूं? हाय बेबी। कहाँ से आ रहे हो यार? घर में घुसते तुम ये बेतु का सवाल करने लगती हो, कहाँ से आ रहे हो? करूंगी, जब तक मुझे ये पता नहीं लग जाएगा कि तुम किस कंपनी में काम करते हो, मैं ये सवाल करती रहूंगी। करती रहो, और मैं तुम्हें इस बेतु के सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो फिर मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो? सच बता दो ना। देखो विपुल, तुम किसी अंडरवर्ल्ड की दलदल में तो नहीं धंसते जा रहे हो ना? तुम्हें जो समझना है समझो। ठीक है, अगर मुझे पता लगा कि तुम अंडरवर्ल्ड के कामों में इन्वॉल्व्ड हो, तो कसम खा के कह रही हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, मैं खुद तुम्हें जाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मालूम चला कि मैं किसी अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहा हूँ, तो तुम मेरा एनकाउंटर करवा देना, ठीक है? बम। बस। भभूति जी, भभूति जी, इधर क्या है, क्यों चिचा रहे हैं? यहाँ आइए जरा। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है आपको? ये कबाड़ी आपका भाई है ना? जी है। आप कबाड़ी खानदान से हैं, ये तो हमें पता चल चुका था, लेकिन आप उचक्के भी हैं, ये पता नहीं था। क्या उचक्का गिरी कर दी हमने? हाँ? अरे आपके उचक्के गिरी के किस्से सुनाने लगे तो सारी रात बीत जाएगी, लेकिन फिलहाल आपके उचक्के भाई ने जो अंगूरी के साथ उचक्का गिरी की है ना, वो सुनिए। पहले लैपटॉप लेकर गया और अब ससुर नया टीवी भी ले गया। देखिए क्या है कि मैं उसके मामलों में पड़ता नहीं। एक कहावत है, शेख अपनी देख, आप खुद डील कीजिए उसके साथ। और सुनिए, जरा इज्जत से पेश आइएगा, 4 हाफ मर्डर कर चुका ऑलरेडी। कब मिलवा रहे हो अपने भाई से मुझे? यार मैं नहीं मिलता उससे, तुम्हें क्या मिलवाऊं? मत मिलो तुम उससे, मुझे मिलवा दो। इतने इंटरेस्टेड क्यों मेरे भाई से मिलने में? इंटरेस्ट लेना तो लाजमी है ना, कभी ना तुमने बताया ना तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम्हारा कोई भाई भी है। यार कोई से लाइक नहीं करता, इज अ लूजर बेसिकली। इसीलिए तो मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आखिर चीज क्या है, क्यों नफरत करते हैं सब उससे। यार मुझे डर है तुमसे बदतमीजी ना कर दे, वो बड़ा ही बदतमीज किस्म का आदमी है। कोई बात नहीं, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, अगर मेरे साथ बदतमीजी करेगा ना, तो उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी उम्र बदतमीजी करना भूल जाएगा। कब मिलवा रहे हो? जब मुझसे मिलेगा तो मैं मिलवा दूंगा। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या बनाया तुमने? सब्जी कटी रखी है, जाके छौंक लो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे भी नेल पेंट भी लगाना है। Okay.
चीचक हो जा। चाय वाले तू बहुत अमीर होगा, इतना बड़ा टीवी ले लो तूने। इस लल्ला को ना है जो मेरो टीवी है। सारे करवे कहाँ से चुरा के लाए हो? तू खामा खा के बातें मत किया कर, समझ गयो ना? जब मैंने पूरे 2000 रुपया में ले हुआ है। 2000 रुपया में? अरे तेरी तो लॉटरी लग रही है रे। एक बात बता, जे वाई कबाड़ी से खरीदो होगा तूने? वाई कबाड़ी से? तो यहाँ पे क्यों रख रखो है? इसे घर लेकर चलना यार। बा के लिए नहीं है टीवी, है समझ गए ना? इस टीवी को मैं तिवारी भैया को चौगुने दाम में बेचूंगा, चौगुने दाम में, जैसे लैपटॉप बेचो है तो। जी अपनो नयो धंधो शुरू है गो है। नया धंधो? हाँ नयो धंधो, वो कबाड़ी डालेंगे ना। हाँ। वो तिवारी भैया से ये माल खरीदते है। हाँ। और जाई माल है ना मैं खरीद लेता हूँ। हाँ। और मेरे से ये माल चौगुने दाम में तिवारी भैया खरीद लेते हैं, है ना कमाल का? यार ठीक है, मैं तो तोय अकल से पैदल समझ रहा हूँ। तू तो बहुत बड़ो बिजनेसमैन निकलो, वो भी बड़ो वालो। सीख ले मुझसे कुछ, सीख ले, जिंदगी में काम आओगे तुम मलखान, समझ गो? अब चुपचाप देख ले गाने। कायली लौंडो, जो कराए तू फैला रहे हो तुम इतने। दरोगा जी, हम तो टीवी देख रहे, राय था तो तुम फैला रहे। सारे हमसे मौसम मार के बात करो कर। क्या तुम फैला रहे हैं कि तुम फैला रहे हो? क्या हो रहा है जो? अरे दरोगा जी शांत शांत शांत, तुम पहले सोचो तो जो बताओ, हमारी लुंगी कहां गई यार? अरे दरोगा जी हमें कहां पता तुम्हारी लुंगी कहां पे है? तुम दोनों ने ना चुराई है कि? दरोगा जी एक बात, कान खोल कर उंगरिया उंगरिया की के दिखा रहा हूं उंगरिया। मतलब कि एक बात है ना, आप सुन लो दरोगा जी, कि हम लोग तो लुंगी पहनते ना आया, हम तो पैंट पहनते हैं। अरे दादा तो फिर जो कड़ी खाए कौन लुंगी हमारी चुरा कर ले गए यार? हमने हमने अपनी बाहर लॉन में ऐसी लस्सी में सूख भी डाली थी, सोचो सोची ड्यूटी खत्म हो गई, बढ़िया घर जाएंगे, लुंगी पहन के हवा खाएंगे, लुंगी चुरा कर ले गए सोचो। तो दरोगा जी तुमने लुंगी बाहर की सुखाई फिर? ठहर जा बेटा, ठहर जा, एक बार हमें पता चल जाते हमारी लुंगी कौन ने चुराई है, सारे की हम खाल खींच के भुसा भर देंगे बा में। एक ही तो लुंगी थी हमारी, नीले चेक वाली बढ़िया सी थी। तो फिर पता करो ना कौन ने चुराई तुम्हारी लुंगी, यहाँ पे आकर हमारे कान ऐंठने लगते हो तुम। कैसे जब मोहल्ला के सबसे घटिया उचक्कर लौंडा तुम हो सर? दरोगा जी देखो, अब हमने चोरी चकारी को धंधो है ना छोड़ दियो कब को है, अब हम ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर काम करते हैं। सर का एक्सपोर्ट का इंपोर्ट कर रहे हो? गुइया गुइया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स को सामान है ना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम, समझ गए? कैसी करा तो सर मैं लूंगी चली। कोई काम धंधो ना इसे। कबाड़ी वाले यहाँ घर का पुराना डब्बा ढकने चलाएगा क्या? घर का पुराना ढक्कन डब्बा, पुरानी रद्दी, पुराना टीवी, पुराना पंखा दे दो और रोकड़ा ले लो। भाभी जी कबाड़ी आ गया है? अरे सुनो। हाँ तुमसे ही बोल रही हूँ, आओ ना इधर, आओ ना। हाँ इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ। देवर जी ये तुम्हारे भैया भाभी का घर है, भाभी हूँ मैं आपकी। तुम्हें तो क्या बताया ना कितनी गोरी भाभी कर रखी है उसने। देखो ना तुम्हारे भैया ऐसे ही हैं, उन्होंने मुझे कहाँ बताया कि उनका एक भाई भी है जो बिल्कुल उनके जैसा दिखता है। उछड़ता है उससे। क्यों क्यों चिढ़ते? क्योंकि मैं धंधा करता हूँ ना कबाड़ का, इसलिए चिढ़ता है। कबाड़ी का धंधा करता है तो क्या हुआ, वो भी तो एक काम है। कितनी मेहनत करते हो तुम, तुम्हारे भैया को देख लो, कोई मेहनत नहीं, कोई काम ही नहीं करते। क्या कह रही हो आप? हाँ मोहल्ले वाले तो कुछ और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया तुमने तो लॉकर बना कर रखा हुआ मेरे भाई को, घर का सारा काम कराती हूँ उससे।
कपड़े धुलवाती हो, बर्तन मंजवाती हो, घर की साफ सफाई करवाती हो, अब रात को जब काम से आती हो तो पैर भी दबवाती हो, ऐसा बोलने बोलने वाला है। ये, 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 कौन बोल रहे? किसने बोला तुमसे ऐसा? पूरा मोहल्ला चिल्ला चिल्ला के बोल लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई पैर वैर नहीं दबवाती। अब भाई आदमी बाहर काम नहीं करेगा तो घर में थोड़ा बहुत तो हाथ बटाएगा ही ना। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अंदर आओ और ये बताओ कि तुम क्या लोगे? दारू ले लेंगे। छी, दिन में दारू पियोगे? हम तो मार लेते, दिन में मार लेते, हम तो मार लेते। नहीं देवर जी, दिन में दारू पीना बहुत बुरी बात होती है। मैं ना तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अदरक की चाय बनाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। अपने भैया के बारे में मुझे बताना। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं अभी आती हूँ। आ जाओ, हाँ अंदर आ जाओ। Oh nice, my देवर is here. बहुत चिपकू है यार, बहुत पकाएगी भाई, निकल। अरे देवर जी, अभी तक आप आए? अरे कहाँ चला गया, अंदर भी नहीं आया। देवर जी, देवर जी, अरे चला ही गया। या टीका, गाना बजाना बहुत होगो, आप समाचार सुन लेते हैं। कहाँ करेगो समाचार देख के? पागल के बच्चे, जे भी तो पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है, कहाँ पे भूकंप आया हुआ है और कहाँ पे बाढ़ आई है। जब तू जानो ही ना है तो पता करके क्या फायदा, इधर दे। कावे लौंडो, गाने देखे जा रहे हैं, मटर गश्ती चल रही है और अच्छे। ये टीवी तो हमारा है बे, ये टीवी कहाँ से लाया बे? कहाँ से लाया टीवी? ये टीवी मेरो है भैया। मारो है? अबे तो ये घटिया कबाड़ी से तुम्हें खरीदा टीवी? मैंने ही खरीदो है पूरे 2000 रुपया में। प्रॉब्लम? 50,000 का टीवी 2000 रुपए में खरीद लिया। बेटा तुम्हारी औकात नहीं है इतना महंगा टीवी खरीदने की, समझे? ये पकड़ो, ये लो बेटा 2500 रुपए पकड़ो और ये टीवी हमारे हवाले करो, पकड़ो। अरे भैया जी पागल हो गए होगा, 50,000 रुपए का टीवी 2500 रुपए में दे दे। अरे बेटा तो 500 रुपए ऊपर दे तो रहा हूँ, ये लो। अरे भैया जी हमारी का शकल पे लिख रहे हो क्या? हम बेवकूफ है ना, तुम्हारी शकल पे लिखा है कि तुम बहुत शातिर हो। ठीक है भैया, थोड़ा हमारे शातिरपने को भी ख्याल रख लो। क्या ख्याल रख ले? भैया जी देखो, बात ये है रही कि जे टीवी ना 50,000 रुपयों को है, हैं? और तुम ठहरे अपने आदमी, तो एक काम करो 5,000 रुपया कम दे दो, अलाओ 45,000 रुपये निकाल दो। अच्छा हाँ बेटा, ज्यादा व्यापारी बनने की कोशिश ना करो, नहीं पुलिस में रपट दर्ज करा देंगे टीवी चुराने के जुर्म में, समझे? भैया जरा कानून मत सिखाओ हमको, ये कानून से ना रोजाना हमारा वास्ता पड़ता है, समझ गए आप? और क्या सबूत है आपके पास में कि हमने टीवी चुरा हुआ है? और भैया जी जे धमकी बद दो कि तुम है ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दोगे, मैं तो कह रहा हूँ जाकर लिखवा दो, तुमसे घुइयां भी ना उखड़ा है। क्या क्या? अरे यार इन लौंडों से झगड़ने का कोई फायदा नहीं, इन्हें प्यार से पटाना होगा। ए बेटा, अबे तुम तो नाराज है गए लौंडो है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे बेटा। वो क्या है ना यार, जब से घर से टीवी गायब हुआ है ना, तो मैं भाभी बहुत परेशान है यार, खाना पीना अन्न जल सब त्याग के बैठी है। हमारा नहीं तो यार, कम से कम भाभी का तो ख्याल कर लो। भैया जी तुमने भाभी की बात करके ना वो इमोशनल कर दियो। लाओ भैया 10,000 रुपये ही दे दो। 5,000 बेटा, 5। ये बड़ा कंजूस आदमी है, इतने दोगो समझ गो, अगर 2,000 रुपया खर्चा करके 3,000 रुपया को फायदा हो रहा है तो क्या बुरा है? जार सही कह रहा है, भागते भूत की लंगोटी बहुत है। लाओ भैया जी 5,000 रुपये निकालो। ले बेटा पूरे 5,000 रुपये गिनने तुम्हें। अब भैया जी जे टीवी तुम्हारा होगो। थैंक यू। अरे यार ये अंगूरी भी ना एक नंबर की बॉडम है, इसके बॉडम पने का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, बताइए अपना टीवी खुद ही को खरीदना पड़ रहा है साला। अरे
अरे तिवारी ठहर जा ठहर जा, अरे अरे ठहर जा, जब चिल्ला रहा यार ठहर जाओ तो ठहर जाओ ना फिर। हाँ तो ठहर गए ना। कल ले जा रहे जामे कहे का टीवी ले जा रहे हो, कौन आइटम बम ले जा रहे हैं क्या? तुम आपका भरोसा सो सर। तो ये क्या बकवास कर रहे हैं, हम क्या आपको गुंडा मवाली लगते हैं? ऐसा भैया तिवारी, जब शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधन पे है समझ गए, तो हमें अपना फर्ज निभा दो करो। आप हमेशा अपना फर्ज ससुर हम पे ही क्यों झाड़ते हैं? यार आदमियों को पजामा, तुम पे हम अपनी फर्ज का को झाड़ेंगे? और नहीं तो क्या, जब देखो तब आप हमें पकड़ लेते हैं। तुम यार तिवारी ना हमारी खोपड़ी ना खराब करो करो सर। तुम पहले जा खोलो टीवी, खोलो जा पहले, हमें ऐसा लग रहा है कि जामे बम है। अरे यार ये क्या बकवास कर रहे, जब हम कह रहे हैं कि हमारा टीवी है, हमारा हमारा को का मतलब तुम ससुर को कलेक्टर हो का? खोलो ना यार ये बम बोल रही। तो ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप तिवारी? तुम चुपचाप खोल ले के नहीं खोल ले, हम तुम्हें खोल के रख देंगे पूरो। अच्छा साफ साफ का नहीं कहते कि न्योछावर खानी है? हाँ खानी है। तो फिर अपने खरबूजे जैसे गोल मुंह से बोलो ना कि खानी है। तो चेहरा देख के पढ़ लो करो ना, तो टेम काय को लगाती हो, दे दो फिर ले 10 रुपया। तिवारी तुम सोचो 10 रुपया दे रहे, हम बेकारी हैं का? 500 की पत्ती निकालो फिर फटाफट। की हमारे बेटे का ब्याह हो रहा है, जब 500 की पत्ती निकालो है, जा टीवी पहुंचा दियो घर में। तुम 10 रुपये दे रहे? अरे जब शहर में हमारी कानून इज्जत है कि नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। को बोलो जो को बोलो जो सारे मोहल्ला के लौंडा बहुत बड़ी चेरांद हो गए हैं। अरे यार तेल जा में है नहीं है, ससुर 10 रुपया दे रहे आदमी। And baby, I'm home. Hello? क्या छुपा रहा था यहाँ पर? विभूति नारायण मिश्रा है। हर नैया ना नैया ना तेरी चौखट पे चाहे लाख बुलाए। आदाब। आदाब। मैंने कहा आदाब। आदाब आदाब। क्या बात है हुजूर, ना आते हैं ना बुलाते हैं। ये आप क्या बात कर रही हैं? हमने आपको कब बुलाया और हम कब आपके यहाँ आए? आपके तो क्लाइंट वही हैं, वो अपने भभूति जी और प्रेम चौधरी साहब। ऐसा मत कहिए हुजूर, हमारे चाहने वाले तो आप भी हैं। हम आपके चाहने वाले नहीं, हम तो भाभी जी के चाहने वाले हैं। हाँ? नहीं, हमने कहा हम आपके चाहने वाले नहीं है भाई। वो देखिए ऐसा है कि हम तो शादीशुदा मर्द हैं, आप इस तरह हमसे सरेआम मत मिला कीजिए प्लीज। ठीक है तो चलिए अकेले में मिलते हैं। हम आपसे कहीं भी मिलना नहीं चाहते, आप अकेले में की बात कर रही हैं। इतना भी पत्थर दिल मत बनिए हुजूर। देखिए हम आपसे साफ साफ कह रहे हैं, जब धरती इधर की उधर हो जाए हम आपकी बदनाम गली में नहीं आएंगे, समझी? अच्छा, जब गम का तूफान सीने में जोर मारने लगता है तब लोगों को सिर्फ गुलफाम कली याद आती है। अरे गम का तूफान लाख हमारे सीने पे जोर मारे, हम आपकी बदनाम गली में नहीं आने वाले। इतना भी गुरूर अच्छा नहीं है हुजूर। ये गुरूर नहीं है, ये हमारा विश्वास है। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। वो दिन आने से पहले आपकी आंखें पथरा जाएंगी, समझी? हम आपकी बदनाम गली की चौखट पे कभी नहीं आएंगे। घर के पुराने डब्बे, ढक्कन, पुरानी रद्दी, पुराना एसी, पुराना पंखा दे दो, बदले में रोकड़ा ले लो। आओ आओ
कबाड़ी कैसन बा? मैंने कितनी बार बोला आपको कि मेरा नाम कबाड़ी नहीं डार्लिंग है। वैसे लोग मुझे प्यार से चिकना कबाड़ी बोलते हैं। हाँ हाँ डार्लिंग। I love you. I miss you जानू। I love you. Miss you जानू। I love you. बोल तो रहे हैं। Miss you जानू। अब मजबूर कौन है पुराना सामान नहीं है। लालची हो गया था। ये क्या बोल रही हो आपके पुराना सामान नहीं? सामने रखा तो है सोफा। ये तो शाहजहाँ के जमाने का लग रिया है। इसमें तो पाए भी हिल गए, स्प्रिंग भी टूट गए, कपड़ा भी फट गया है। क्या बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि सोफा कभी भी टूट सकता है। तुम्हारे लड्डू का भैया बैठेंगे इस पे, सोफा टूट जाएगा। वो जो स्प्रिंग है ना, उनके इम्पोर्टेंट पार्ट में घुस जाएगा।